बॉटम पार्ट देख सकते हैं पूरा गया हुआ है एकदम बेस्ट एक्सीलेंट टाइम पे। यस फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूरी मोटर्स वाशी नवी मुंबई एंड आई एम योर सनी सूरी। आज हमारे पास W10 फ्रॉम चिपलून महाराष्ट्र XV500 आई है, जो कि एक मेजर डोर वर्क के लिए आई है, जो कि 4 डोर चारों के चारों रस्ट है, जिसमें से राइट का जो है वो हमें चेंज करना होगा। आइए आप देखते हैं किस तरह से डोर डैमेज हो चुके हैं रस्ट की वजह से। फुल आप बॉटम पार्ट देख सकते हैं पूरा गया हुआ है, इसे हम पूरा चेंज करेंगे। वैसे ही आप रियर राइट साइड का भी डोर देख सकते हैं, ये भी रस्ट हो चुका है, जिसे हम पूरा रस्ट निकाल कर पूरा क्लीन आउट करके, जिसमें हम डोर पैड भी निकाल के वाइंडर सब निकाल के 4 डोर्स के प्रॉपरली इसे पेंट करेंगे। आइए हम आपको लेफ्ट साइड के भी डोर का व्यू देते हैं। देखिए ये भी काफ़ी रस्ट हो चुके हैं बॉटम साइड से, इसे हम ओपन करके देखेंगे और कितना रस्ट हो चुके हैं, तो हम आगे जाकर इसमें क्या करना है वो देख सकते हैं। फ्रंट लेफ्ट का थोड़ा डोर ठीक है, लेकिन हमें इसे पेंट ही करना होगा। और प्लस हम रियर बम्पर आप देख सकते हैं, रियर बम्पर भी हम इसे पेंट करेंगे। कस्टमर का ओवरऑल पूरा ओवरकोट का प्लान था, लेकिन बोला नहीं आप ये कीजिए और मैं आपको एक अच्छा हाई ग्लॉस पॉलिश करके दूंगा, क्योंकि आपकी गाड़ी 2015 की है, आपको पूरा ओवरकोट के लिए जाने की जैसे हाई ग्लॉस पॉलिश करके आपको यही ब्रांड न्यू पेंट की तरह लुक देगा। और आप अभी हमारे एंड वीडियो में देखेंगे किस तरह से हमने इसे वर्क डन किया है। चलिए आगे के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं किस तरह। यस फ्रेंड्स, XV500 W8 फ्रॉम चिपलून महाराष्ट्र जो हमारे पास आई थी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि फुल ओवरकोट उन्हें करना है, लेकिन जब हमने XV500 को री इंस्पेक्ट किया तो हमने पाया कि फ्रंट राइट डोर काफ़ी तरह से रस्ट हो चुका है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो 3 डोर्स है, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट लेफ्ट, वो भी काफ़ी तरह से रस्ट हो चुके थे, क्योंकि गाड़ी W10 2015 मॉडल है, वो काफ़ी अपर मॉडल होने के बावजूद भी उसके डोर रस्ट हो चुके थे। हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आपका कलर इतना ये नहीं है, हम ये 4 डोर्स में कलर करेंगे और रियर बम्पर में कलर करेंगे और इसे हाई ग्लॉस पॉलिशिंग करेंगे, जिसके कारण आपका जो ओवरकोट है आपका खर्चा भी बचेगा और आप इसी को 7-8 साल तक और यूज़ कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसमें काम किया है। फ्रंट राइट डोर हमने इसमें चेंज किया है, प्लस पेंटिंग किया है राइट और रियर लेफ्ट डोर। आप देख सकते हैं पेंटिंग मैचिंग का, क्योंकि ये पर्ल कलर है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसे मैच करना। प्लस रियर बम्पर भी हमने इसमें पेंट किया, जैसे आपने पिछले वीडियो में हमारा देखा होगा कि किस तरह से डोर में रश थे। आइए मैं आपको डोर ओपन करके भी बता देता हूँ। आप देख सकते हैं जो पहले रश था वो बिल्कुल से रिमूव हो चुका है, हमने पूरा इसे डोर पुट्ठा ओपन करके पूरी तरह से प्रॉपर पेंट किया गया। XV500 जो हमारे पास डोर पेंटिंग के लिए आई थी,
हम लास्ट इंस्पेक्शन के लिए जब गए, सब चेक करते, जब लाइट्स वगैरह सब एसी फ्लो या जो भी है सब पूरा चेकिंग के लिए हम जब गए तो देखा कि एसी की कूलिंग नहीं आ रही है। जब हमने चेक किया तो गैस बिल्कुल नहीं था। तब हमने कस्टमर को कॉल किया तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गैस डाला था। तो हमें लगा कि गैस डाला है तो गैस लीकेज का प्रॉब्लम होगा। जब चेक किया, क्योंकि इमीडिएट उनको डिलीवरी देना था, ये काम हमने विद इन 5 डेज उनको पूरा मटेरियल महिंद्रा से मंगा के पूरा सब लैच वगैरह सब कंप्लीट करके विद इन 5 डेज उनको डिलीवर कर रहे हैं। उनको भी गाड़ी अर्जेंट थी। तब हमने देखा कि ये एसी का जो पाइप है वो लीकेज है। तो हमने अभी ये एसी का पाइप भी पूरा इंस्टॉल कर दिया है। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ भी है जो हम इसे रिपेयर भी कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि इसे हम चेंज कर दें जो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसे चेंज करके अब गाड़ी का हम डिलीवर करेंगे। अभी आपने हमारा XUV500 का वीडियो देखा जिसमें हमने फ्रंट विंडस्क्रीन ग्लास और फोर डोर पेंटिंग और पॉलिशिंग किया। हमारे पास शिपलून से हमारे पुराने कस्टमर मुनावर जी और उनकी वाइफ आए हैं। हम उनसे पूछेंगे उनको किस तरह से हमारा काम लगा। हाँ जी सर, पहले तो गाड़ी जैसे आपने देखी आपको हैंड ओवर किए थे, रस्टिंग वगैरह था सब, मतलब डेंट ना क्या डेंट वगैरह था वो पूरा, मतलब क्लीन होके एकदम ओके में कंडीशन में हो गया। और किस तरह से आपको हमारा टाइम टू टाइम आपको एकदम बेस्ट क्लास है, ऑयल चेंज वगैरह एकदम बेस्ट एक्सीलेंट टाइम पे डोर अरेंज करके सब करते पूरा प्रॉपर टाइम निकल के, मतलब जो टाइम देते उसके पहले हमको गाड़ी हमारे हाथ में हैंड ओवर की। आपको अच्छा लगा? हाँ एकदम। वो हम उससे आप लोगों को हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता, हमें भी सही कॉन्फिडेंस आता। सर्विस एकदम एक्सीलेंट एक्सीलेंट थैंक यू सर, थैंक यू। Okay.